नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। कोरोना ने दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं स्पेन में। पिछले 24 घंटों में 1,61,000 नए मामले निकलकर सामने आ चुके हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में 74 लोगों की जान भी गई। स्पेन में बीते 24 घंटों में ये आंकड़े आने के बाद कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है। देश में मरने वालों की संख्या 89,405 पहुँच चुकी है। भारत में भी ओमिक्रॉन इस समय तेजी के साथ बढ़ रहा है। पूरे देश में कोरोना के मामलों में काफ़ी तेजी के साथ वृद्धि हुई है और मामले 4 दिन में दुगने हो रहे हैं। उसके बावजूद पूरे देश में अभी तक नेताओं ने अपनी रैलियां कैंसिल नहीं की। आज अमित शाह, अखिलेश यादव की रैलियां उत्तर प्रदेश में लगातार चल रही है, तो क्या ये भारत के लिए सही खबर है? सरकार को जल्द ही इन रैलियों को रोक लगाना होगा, अन्यथा भारत में भी आंकड़े और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।